हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया अभिनेकर। आपका प्रयास प्रोग्राम पे स्वागत है। आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज इस वीडियो में आप देखेंगे वैलेंटाइन स्पेशल पुल मी अप डॉल के। वीडियो को आप पूरा देखिए, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स एंड एंजॉय। सबसे पहले छान लेते हैं 1 + 1/4 कप मैदा अच्छी तरह से। मैदा अच्छी तरह से छानने के बाद उसमें मिलाते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1 कप पाउडर शुगर लेकर उसको भी अच्छी तरह से छान लेना है, उसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। फिर उसमें मिलाते हैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और उसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसमें मिलाते हैं 1/2 कप रिफाइंड ऑयल और उसको भी उस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद 3/4 कप दूध रूम टेम्परेचर लेकर उसको थोड़ा थोड़ा करके उस मिक्सर में मिलाना है। इस तरह दूध को थोड़ा थोड़ा मिलाकर सारा दूध मिश्रण में मिक्स कर देना है और एक स्मूथ बैटर बना देना है। फ्लेवर के लिए मिलाते हैं 1/4 टीस्पून चॉकलेट एसेंस नहीं तो वैनिला एसेंस और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते। ओवन को प्रीहीट करते हैं 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। ओवन प्रीहीट होने तक केक टिन को ऑयल से ग्रीस करके उसमें 1 चम्मच फाइन फ्लोर डालकर इस तरह सभी जगहों से उसके कोट कर देते हैं। केक बैटर को टिन में भरने से पहले उसमें मिलाते हैं 1 टीस्पून वाइट विनेगर और अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं। केक बैटर तैयार हो चुका है। अब उसको भर देते हैं केक टिन में अच्छी तरह से और फिर उसको हल्के हाथ से टैप कर देते हैं। ओवन प्रीहीट हो चुका है। अब उसमें रख देते हैं केक टिन को और केक को बेक करते हैं 35 to 40 minutes 200 डिग्री सेल्सियस पे। 40 मिनट्स के बाद केक टिन को निकाल लेते हैं ओवन से। फिर उसमें एक स्टिक डालकर चेक करते हैं, अगर स्टिक ड्राई निकली मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। केक पूरी तरह से ठंडा होने के बाद उसको नाइफ की सहायता से टिन से अलग करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। केक को कट करेंगे 3 लेयर्स में। इस तरह केक को घुमाकर पहली लेयर कट कर लेते हैं और उसके बाद कट करेंगे जो टॉप का केक का पोर्शन है और इस तरह केक के 3 लेयर्स तैयार हो जाएंगे। केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाकर उसके ऊपर फर्स्ट लेयर जो है केक की रख के उसके ऊपर यहाँ मैं रोज़ सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाकर थोड़े से चोको चिप्स उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी, इसलिए कि ये वैलेंटाइन केक है तो उसको चॉकलेट रोज़ ऐसे सब फ्लेवर देने हैं। अब उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है और उसके बाद केक की दूसरी लेयर रख देनी है, उसके ऊपर लगा देना है रोज़ सिरप। अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है तो आप शुगर सिरप भी लगा सकते हैं।
यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है, फिर से क्रीम को अप्लाई करना है लेयर पे और फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है चोको चिप्स और फिर उसके ऊपर फिर से अप्लाई करना है क्रीम। केक का जो थर्ड लेयर है उसके नीचे के तरफ इस तरह रोज सिरप लगा देना है और उसको उसके ऊपर रख देना है और साइड में जितनी क्रीम है उसको निकाल कर उसमें तीन इस तरह लकड़ी की स्क्यूअर फिक्स कर देने हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पिंक कलर की क्रीम अप्लाई कर रही हूँ केक के ऊपर। ये जो केक है वो डॉल का ड्रेस है। इस तरह क्रम कोटिंग करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के क्रम कोटिंग सेट होने के बाद केक के ऊपर फाइनल कोटिंग इस तरह कर देनी। यहाँ आप देख सकते एक छोटी डॉल ली है और उसको फूड से क्लिनिक रैप से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। आप देख सकते मैंने सेंटर में केक के एक होल किया है और उसके अंदर मैंने डॉल को इस तरह इंसर्ट कर लिए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो रोज़ बनाने का नोज़ल है उसमें पिंक कलर की क्रीम भरी हुई है और इस तरह डॉल के ड्रेस के बॉटम में एक लेस जैसे डिज़ाइन बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी दूसरा नोज़ल इस्तेमाल करके डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक शीट है, उसको स्कॉच टेप लगाकर एक सिलेंडर जैसे बना दिया है। इस तरह प्लास्टिक सिलेंडर को रख देना है केक के ऊपर। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं रेड कलर का चॉकलेट का घना किस तरह सिलेंडर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता भर रही हूँ। चॉकलेट गनाश किस तरह बनाया उसके मेथड और इंग्रेडिएंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक करिए। उसके बाद अगर आपके पास एडिबल ग्लिटर है तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर जो गनाश डाला है उसके ऊपर इस तरह आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। प्लास्टिक सिलेंडर केक के ऊपर रखने से पहले डॉल के हेड को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब हल्के हाथ से सिलेंडर को ऊपर की तरह से खींच लेना है। डॉल के हेड पे जो कवर रखा था उसको आप निकाल के साइड में कर देते हैं। अपने आइडिया से या स्प्रिंकल से डॉल के ड्रेस को आप डिज़ाइन करिए या डेकोरेट करिए, जैसे आपको पसंद है वैसे। यहाँ आप देख सकते हैं एक हार्ट शेप का कुकी कटर है, उसके नीचे मैंने एक प्लास्टिक शीट रखी है और ये मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट में मैंने रेड कलर मिला दिया है। इस तरह भर के उसको 10 से 15 मिनट डीप फ्रीजर में रख देना है। हार्ट शेप का चॉकलेट सेट होने के बाद उसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट से हैप्पी वैलेंटाइन डे लिख देना है। हार्ट के एक साइड पे मेल्टेड चॉकलेट से एक स्टिक लगा देनी है। वैलेंटाइन स्पेशल डॉल को सजाने के लिए दो चॉकलेट्स के रोजेस बनाए हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए। चॉकलेट रोजेस कैसे बनाते इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। रेड चॉकलेट से बना हुआ हार्ट इस तरह डॉल के साइड में लगा देते हैं। अब ये वैलेंटाइन स्पेशल पुल मी अप डॉल के तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इस तरह वैलेंटाइन स्पेशल केक बनाकर एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।
बाय बाय।